आज दोबारा से मौसम खराब हो गया है अभी। और ये क्या कपड़े धो रहे हो? धो ले भाई, ऐसा नहीं है कि फिर पानी दोबारा ना आए। ये दील खोल देता हूँ मैं। हाँ, क्योंकि वो मिला था मुझे ना पानी वाला दोस्त मेरा, उसने कहा कि पानी आज भी आया। मैंने कहा यार बड़ा बड़ा धन्यवाद, आपने टंकी वो करवा दी। मैं जरा बिल खोल देता हूँ। तो यहाँ पे लगा हुआ है हमारा बिल, ये थोड़ी सी ना नीचे बैठ रही है ये जमीन, ये है बिल। देखते हैं पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा पानी, ये देख सकते हो। अभी खाने की लंच की हो रही है तैयारी, ठीक है। और ना मुझे लगता है कि गर्मी भी चिपचिपी हो गई, लाइट नहीं है और मौसम दोबारा से ख़राब हो गया है। मैं थोड़ा ये चावल डाले हुए हैं, लाइट का आना जाना सब हो गया है भाई, मुझे इतना सजे देखो। और बिट्टू भाई क्या हाल है? हाल खराब है। हाल क्यों खराब है? आ जाओ आ जाओ बानी, मुन्नू इन ऐसा मेरे पास हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाल हाल में कल बारिश देखी ना, जो इतने ज्यादा डेंजर बारिश थी, बहुत हो रहा है। ना बाहर बंदा जा सके, ना कुछ, ना बिजली, ना कुछ, कोई नोटिफिकेशन नहीं मोबाइल पे, इंटरनेट नहीं, ना कुछ भी नहीं। मतलब इतनी तेज भयंकर बारिश थी। और हाँ, बोल की जान बच गई वो ठीक है, वही मैं बोलने वाला था। चलो ये चीज जल्द जल्द, ये तो ये पर मैंने अरे जरूरी होती है ये ना, बिना लाइट और पानी के भी दूसरे को कॉल कर सकते हैं ना यार। मेरी मोबाइल तो जरूरी होता है, बंदा फंस जाए तो एकदम एक सिग्नल ही चलेगा एकदम सही। नहीं जियो का तो था ही नहीं सिग्नल ना, बिल्कुल जीरो, किसी को कॉल नहीं कर सकते ये तो। और चलो ध्यान बच गई, वही सबसे ऊपर है, उससे बड़ी क्या हो सकते हैं। मौसम का कुछ भी पता नहीं चलता, कभी तेज वाली धूप लग जाती है, कभी एकदम से बादल छाते हैं और फिर बारिश लग जाती है। और बादल भी ना आजकल आसमान में कुछ ऐसे दिखाई देते हैं ना, जैसे बड़े डरावने जैसे होते हैं, तो डर लगता है उनसे भी। यहाँ पर पतिदेव ये जितना भी आगे झाड़ वगैरह थे ना, तो उनको काट रहे थे ताकि थोड़ा ज़मीन सूख जाए। और वैसे भी इसकी नींव जो है ना नीचे से, मतलब खोखला जैसा आपको दिख रहा होगा, तो इस तरह से ये धीरे धीरे मतलब बैठ ही रहा है। तो इन्होंने सोचा थोड़ी धूप लगेगी और यहाँ से झाड़ वाड़ काट देते हैं। बाकी तो खैर जब तेज़ धूप होगी, सारी मिट्टी सूख जाएगी, उसके बाद ही फिर कहीं जाकर के डंगे वगैरह के लिए अगला काम कर सकते हैं। उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ सकते ज़मीन को, क्योंकि कुछ पता ही नहीं चलता, एकदम से सुर की तरह ही निकल जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि आगे से खाइयाँ गई हो तभी, ऐसे मतलब बैठ जा रही है ज़मीन, मतलब पानी इतना ज़्यादा रस गया है ना ज़मीन में कि थोड़ी सी भी इधर उधर की हरकत एकदम फिर वहाँ की ज़मीन को धसा देती है। तो इसलिए मतलब ज़्यादा नहीं कर रहे थे कुछ भी, पर ये थोड़े थोड़े समय के झाड़ काट करके इन्होंने बोला कि साफ़ हो जाएगा तो थोड़ा सूख जाएगा, और जब सूख जाएगा तो फिर कम धसेगी भी ये। और एक साथ ही जब हो जाता है ना, तो आपने तो देखे ही यार वीडियोज़, डर बहुत लगता है। तो वैसे ही हम भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। और कल तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे। और आज रात बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, थोड़ी देर के लिए हुई थी, लेकिन हाँ बहुत डरावनी, बादल भी इतने ज़ोर ज़ोर से गरज रहे थे ना। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने ये सब काम किया, और मैंने कपड़े डाले हुए थे मशीन में पर लाइट नहीं थी, उसके बाद ही कट लग गया। तो फिर मैंने वो सारे निकाले और यहाँ पे फिर हाथ से धोना शुरू किया। बाणी सोई हुई थी और बिट्टू प्रियंका गए हुए थे मार्केट किसी काम से, तो हमने सोचा कि जब तक सोई है तब तक ये लोग आ जाएंगे लौट के। और ये अचानक से उठ गई, फिर उठ गई तो आपको तो पता ही कि बच्चों को संभालना थोड़ा सा, कि छोटे बच्चे होते हैं ना तो मम्मी डैडी की जिद करने लगते हैं। तो फिर मंजू ने मम्मी को कॉल लगाई, और मम्मी के पास रहती है ना ये ज़्यादातर घर पे भी, तो फिर ये चुप होगी मतलब वीडियो कॉल पे। हाँ,
फट खान चलो बात वीडियो कॉल उठाओ आप। तो कपड़े वपड़े धोए और तब तक ये लोग भी आ गए और वाणी भी चुप हो गई थी क्योंकि शानू मिट्टू भी थे ना, इनके साथ खेल भी रही थी और मम्मी को कॉल लगाई तो चुप हो गई। फिर इन्होंने अपना काम निपटा करके फिर हम लोग यहाँ पे बस बातचीत कर रहे थे थोड़ी देर और मैंने बनाई सबके लिए चाय। चाय रखी थी उबलने के लिए ना मैंने किचन में और मैं लग गई थोड़ी सी इनके साथ बातचीत करने और सारी चाय निकल गई। फिर दोबारा से मेरे को सारा गैस वैस साफ़ करना पड़ा। जब यहाँ से गई तो देखा मैं क्या ओहो, फिर दोबारा से चाय रखी और बाकी बस ऐसे ही हम लोग आपस में बात कर रहे थे क्योंकि आजकल तो यही बातें चलती है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। पक्का फ्राइडे को आते हैं ना, आज वीरवार है, फिर वाणी मान नहीं रही है। हाँ वो रिनानी के पास जाना भाई। चलो ठीक है तो रखना अपना ध्यान है ना, आए फिर कल। हाँ नहीं बच्चे तड़ाई कर रहे हैं, बड़ा लैंड स्लाइडिंग है कि जा रहा सूरज खाई मजे मजे चलाई है यहाँ क्योंकि चिक्कड़ है। खन्नू शाही लग रहा पार है कुछ खन्नू शाही लग रहा गया कोई किस कुटरा वो कोई और ना, पर यहाँ रोड की हालत बड़ी खराब है। ओके बाय, कल आना कल 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 बाय ये लोग चले गए। सामने मैंने बताया था ना आपको कि प्रियंका का मायका है तो ये लोग वहाँ गए और बाकी मंजू इधर ही है क्योंकि इनके भी घर के जाने वाले रास्ते जो है ना बिल्कुल बंद पड़ गए हैं, रोडों की हालत बहुत ख़राब है और इनके घर वाली साइड भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हुए हैं। तो मैं क्या कुछ नहीं है यहीं पर रह ले कोई बात नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम यहाँ पर भी अगर होता है तो मैंने तब भी बात कर रखी है तो तब हम लोग वहाँ निकल लेंगे। तो अब क्या करें, अब सेफ तो कहीं भी नहीं है, कहीं भी चले जाओ आप खतरा हर जगह ही है, पर अब क्या कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे फिर हम लोग अपनी अलमीरा सेट कर रहे थे और तय लगा रहे थे, मतलब अच्छे से सेट कर रहे थे सारी चीज़ों को। फिर यहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब आपस में हम बातचीत भी कर रहे थे और साथ साथ में ये काम भी कर रहे थे। और फिर हम पहुँचे यहाँ पे किचन में तो बच्चे लग गए थे चिल्लाने की भूख लगी है। तो मंजू ने बोला कि दीदी आप फटाफट से रोटी बनाते रहो और मैं यहाँ पे तड़का लगाती हूँ। तो फिर ये चॉपिंग कर रही और फटाफट से मतलब मैं यहाँ पे हम दोनों मिल करके रोटी सब्जी बना रहे और बच्चे फिर आपको तो पता ही है कि जिद करने लग जाते हैं अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना, तब तो उनको फिर बहाना मिल जाता है कि नहीं नहीं खाना चाहिए भूख लगी है। तो फिर इसलिए मतलब फटाफट से मैं क्या यहाँ पे सब्जी में भी तड़का लग जाएगा और रोटी भी बन जाएगी। तो फिर क्योंकि सब्जी ज़्यादातर बच्चे पसंद करते नहीं हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं, मेरे साथ खा लिया। बाकी मैं इनको क्या करती हूँ कि मुच्छू रोटी खिला देती हूँ, मतलब दूध में रोटी को मिक्स करके उस तरह से। तो फिर मैं क्या पहले रोटी बन जाएगी ना तो मैं इनको फिर थोड़ा सा खिला दूँगी, फिर दोबारा फिर सब्जी के साथ हमारे साथ खा लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हम बना रहे हैं मिक्स वेज बना रहे हैं। तो कढ़ाई में देखिए प्याज और आलू मैंने एक साथ ही डाल दिए और मतलब होता है ना अपना अपना तरीका होता है सब्जी बनाने का। तो मंजूबरी एक साथ ही डाल दूँ तो मैंने उठाए मैं कि नहीं हाँ एक साथ ही मेरे को ऐसे अच्छे लगते हैं, मतलब आलू जब पक जाते हैं ना थोड़े थोड़े से प्याज के साथ तो टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है आलू का, और ऐसे मुझे आलू अच्छे नहीं लगते खाने में, परांठे तो ठीक लगते हैं बट सब्जी मुझे उतनी पसंद नहीं है तो फिर इस तरह से अच्छी लगती है। फिर ये जी प्याज के साथ ही पकने दिए थोड़ा हल्के और तब तक मंजू ने बाकी की सब्जियां ये चॉप कर रही थी, मैं फुलके बना रही थी और बाकी फिर यहाँ पे क्योंकि देखिए दूसरे के घर का कोई पता थोड़ी ना होता है कि यहाँ कहाँ पे क्या चीज़ रखी है, कौन सा मसाला है, कितना ऐड करना है, तो वो सारी चीज़ें मुझे ना सच बताऊँ तो मतलब कोई किचन में काम करे मेरे साथ मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं बोलती हूँ कि नहीं रहने दो, लेकिन मंजू भी बार बार नहीं मैं करूँगी ये करूँगी, मतलब बात कर ही रहे हैं तो बोला दीदी क्या फ़र्क पड़ जाता है। फिर मैं मतलब ये बता भी रही कि चाहिए मसाला वो है, इसको ना मतलब बैठने की आदत नहीं है बिल्कुल भी, मतलब कुछ ना कुछ चाहिए भी, हाँ करते रहना है कुछ ना कुछ। इधर भी इसकी मम्मी वगैरह के वहाँ पे भी ना ज़मीनें भी काफ़ी हैं और जैसे गाय वगैरह पाल के रखते हैं ये,
तो फिर होता है ना, अपने अपनी अपनी हैबिट्स होती हैं, तो कुछ एक लोगों को ऐसे बेले बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो बार बार ये यही बोल ले। मैं क्या, नहीं यार हमारे को थोड़ी है इतने ज़्यादा काम कि हाँ भाई कहीं से घास काट के लाना है, ये करना है वो करना है। हाँ हमारे को बस यही है, खाने पीने और साफ़ सफाई का काम। तो फिर और बाकी ये देखिए, फिर सारी जो भी अच्छी सब्जियां खासी थी। धूप लगी हुई है, रात को बारिश हुई थी हल्की हल्की, तो ये मैंने अभी ये उठा दिया था, तो ये देखो यहाँ से धस गया है पूरा का पूरा ये थोड़ा जोर बैठ जाए, थोड़ा क्या जोर बैठ जाए। ये तरपाल उड़ाई रहा था ना, हाँ तब पानी तो खैर नहीं पाया, पर इन अभी धस सक रहे हो देखो, काले क्रैक ऊपर था ना, अभी बिल्कुल अच्छा ही है। तो ये मिट्टी हेठा चल रही ना, मिट्टी हाँ ये है सारी हेठा दूसरी हेठा चल रही है, हेठा से वॉल नहीं लाई रही, तो घास है ये मिट्टी, इस पर ये बैठ गया ना, ये तो करने पड़ेगा, आज ऐसी धूप रहे ना तो ठीक रहेगा। तो इस वाले पेड़ में ना नींबू ये काफी छोटे पर निकले हुए छोटे लगे हुए हैं, ये देख नहीं इस वैरायटी एडी ना, छोटे वाले वैरायटी वैरायटी की बात है, छोटे छोटे लगे हुए हैं। तो आपको जो हमारे कागजी नींबू है वो दिखाते हैं आपको, जो मैंने आम लगाया हुआ था देखो लग गया, ये लग गया था, एक लग गया नहीं, ये लगना है थे ना, ये थी आई एक गिरते भी है, ये आई गिरे थे, ये पुराने पत्ते, हाँ ये भी लग गया, ये आमले का है, ये पटने पुणा का आ रहा। तो अब हम जा रहे हैं अपने इस वाले नींबू के ये ऊपर वाले निकाल दो सारे, हाँ ठहर जाए एक मिनट ये, फिर जी मतलब ना थोड़े दिन रख लेना ही हो, फिर सारा रस निकाल देना। हाँ ठीक, ये देखिए नींबू ना बहुत ही अच्छे लगते हैं, मतलब ऊपर से देखने में ना ये, तो फिर हमने सोचा कि इनको उतार करके, सारे नहीं उतारे थोड़े उतारे, और इनको मतलब 3-4 दिन अगर रख देते हो ना, फिर ये अच्छे से इनका जो रस होता है ना भरपूर मात्रा में निकल जाता है। ऐसे अगर अभी ताज़ा लेकर के आएंगे तो उतना भरपूर रस इनका मिलता नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये देखिए मैंने बनाए आलू के परांठे नाश्ते के लिए, बाकी लंच के लिए चने भिगो दिए थे काले वाले रात को ही, थोड़ा ज़्यादा डाले थे ताकि उसकी चाट भी बना दें हम, और बच्चों को चाट बहुत अच्छी लगती है, फिर थोड़ा सा मतलब डिफरेंट भी हो जाती है ना चीज़ें कि अच्छा ये भी बनाए वो भी बनाए, और कभी कभी मन करता है कि अच्छा कुछ खाना है कुछ खाना है, तो उस हिसाब से। और यहाँ पर फिर मैं परांठे बना रही थी, और इनकी क्लास चली हुई थी, एग्ज़ाम है या कुछ, तो मिठू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये आ गया मेरे पास कि मम्मा ये मेरे को पता नहीं चल रहा है बता दीजिए, तो वो चीज़ मैं इसको बता रही थी। और बाकी परांठे से हमने फिर नाश्ता किया, और नाश्ता करने के मतलब काफ़ी देर की बात बाद है बाद की बात है, उससे पहले मतलब हम लोग नीचे सारा रेकी करके आए कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि टेंशन बहुत होती है यार, तभी फिर नीचे तक डंगे तक हम डेली ही हमारा ये रूटीन होता है, इवन रात को जब बारिश लगती है ना, तो कई बार तो हम मोबाइल की वो फ्लैश लाइट ऑन करके उस तरह से भी निकल जाते हैं। तो ऐसा है, बाकी ये देखिए ये बन गई हमारी चाट, नींबू का रस इसमें डाला तो मज़ा ही आ जाता है, और बाकी थोड़ा मैंने ना इसमें ये लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी, तो थोड़ा सा तीखा हो गया। मंजू को तीखा खाना बहुत पसंद है लेकिन हम लोग नहीं खाते, लेकिन कभी कभार देखिए गेस्ट के साथ अच्छा लगता है, और दूसरा कि चाट में भी थोड़ा तीखा हो ना तो अच्छा लगता है। अभी अभी क्या क्या बन रहा है? ये देखिए ये चाट ले आए हम आपके लिए भी है ना, नींबू डाल दिया ज्यादा ना, हाँ जी नींबू बहुत बढ़िया क्वालिटी में डाल दिया मैंने, और हम सब चाट एंजॉय कर रहे हैं। इससे पहले आलू के परांठे खाए थे तो इन्होंने बोला कि भी कुछ चटपटा सा खाने का दिल कर रहा है अभी खट्टा खट्टा, तो मैं क्या वो बना देते हैं भाई, क्या चाट चने डाले होते ना हमने लंच के लिए, आलू चने और क्या बोलते हैं चावल खाएंगे, तो फिर वो चने उठा करके चाट बना दी थोड़ी सी, बच्चों को पसंद मिर्च मुर्च डाली हुई है ना, मिर्च मुर्च ज्यादा हो गई है थोड़ी, अच्छी लग रही है बेटे, जब आप कुरकुरे वो खाते हो उसमें तो कितनी सारी मिर्च होती है, उसमें तो कभी नहीं बोलते, पर हरी मिर्च सेहत के लिए अच्छी होती है, विटामिन सी होती है, उसके बाद मिट्टू को तो रात को वॉमिटिंग हुई थी पता है, तो सारी वॉमिटिंग इसे बेड के ऊपर करनी थी, अचानक बंदे ने उठा दिया, ये सब कुरकुरे की वजह से होता है। नहीं नहीं बंदे आप धूप दिखाओ, धूप लगी हुई है आज, हमने सारे कपड़े भी डाल दिए ना, आज ना अच्छी खासी धूप लगी हुई है, अब मुझे लगता है कि बारिश थोड़ा थम गई है, धूप अच्छी खासी लगी हुई है, बस ये आप लोगों की दुआ है कि आपने दुआ की कि धूप लग जाए और बारिश बिल्कुल ना हो,
अभी फिलहाल तो अच्छी खासी धूप लगी हुई है ये देख सकते हो। और बस ये अब आगे बारिश बिल्कुल ना हो यार, क्योंकि बहुत सारा नुकसान हो गया हिमाचल में, बहुत ही ज़्यादा। अब उसको जैसे रोड चले गए हैं, लैंडस्लाइडिंग हुए हैं रोड, अब क्या है ना कि जो जनजीवन को पटरी पे लाने के लिए ना बहुत मतलब ज़्यादा टाइम तो लगेगा, क्योंकि जो लैंडस्लाइडिंग हुए हैं तो उसको डंगे डुंगे देने के लिए, बसें स्टार्ट करने के लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा ना, क्योंकि पूरे रोड ही बैठ गए हैं यार, बहुत ज़्यादा ये हुआ हिमाचल में। तो देखते हैं अब आगे।